दिल्ली से जयपुर जाने के लिए अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को शुरू कर दिया गया है, जिसमें दौसा राजस्थान तक हाईवे मार्ग को खोल दिया गया है। जहां दिल्ली से जयपुर जाने में लगभग 5 से 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकेगा। 246 किलोमीटर तक सफर काफी सुहाना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का उद्घाटन कर दिया था, जिसमें कल से आम लोगों के लिए हाईवे खोल दिया गया है। दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों को गुरुग्राम के राजीव चौक से गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जाना होगा। इसके बाद इसी फ्लाईओवर के सीधे मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रवेश हो जाएगा। दिल्ली से आने वाले लोगों को एलिवेटेड फ्लाईओवर पर धाम रोड टोल टैक्स पर 115 रुपये टैक्स देना होगा, तो वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हिलालपुर टोल टैक्स पर लगभग 395 अदा करने होंगे। लोगों के समय के साथ साथ अब पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी और खर्चा भी कम लगेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माने तो जल्द ही दूसरे चरण को भी शुरू कर दिया जाएगा, जो कि दिल्ली से सीधे मुंबई और बड़ोदरा के लिए लोगों के लिए सफर बिल्कुल आसान कर देगा और लगभग 12 घंटे के अंतराल में दिल्ली से मुंबई लोग पहुंच जाएंगे। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।